बिहार में नए उद्योग मंत्री बनाए गए शाहनवाज हुसैन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। शाहनवाज हुसैन नई ऊर्जा के साथ बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं और दावा कर रहे हैं कि बिहार में निवेशकों को लेकर आएंगे। हम कहना चाहते हैं कि जो लोग भी बिहार के लोग दुनिया में कहीं हैं, जो आज तक को देख रहे हो, उनसे कहना चाहते हैं आइए बिहार में इन्वेस्ट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, माहौल अच्छा है। शाहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग मंत्री तो बन गए, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कई हैं। लैंडलॉक स्टेट में रोजगार के अवसर पैदा करना अपने आप में एक चुनौती है। नहीं देखिए, बहुत से राज्य हैं जहां पर समंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उद्योग वहां पे है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उस संदर्भ अलग था कि जो समुन्द्र के किनारे राज्य थे वहां पहले उद्योग पहुंचा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि समुन्द्र नहीं है तो हम यहाँ उद्योग नहीं ला सकते। ये सही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है समुन्द्र का एक लाभ भी होता है, और हमारे यहाँ तो पूरी तरह लैंडलॉक इलाका है। हमारे यहाँ नदियां ऐसी हैं साहब, गंगा जी बहती हैं हल्दिया से यहाँ तक। तो आप देखिए कि यहाँ जो हम अगर अभी नितिन गडकरी जी ने शुरू किया है ना, तो उसको हम गंगा नदी को ही समुन्द्र की तरह उपयोग करेंगे। इसके जरिए जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया वो करेंगे। बिहार में आज 14 करोड़ का स्टेट है, एक पटना एयरपोर्ट है, एक गया में जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो वो एयरपोर्ट बनाया था, एक दरभंगा में है। लेकिन क्षमता ये है कि हम भागलपुर में बना सकते हैं, हम बेतिया में बना सकते हैं, रक्सौल में। हम एयरपोर्ट से 2 घंटे की दूरी किसी भी जगह की न हो तो बहुत से काम कर सकते हैं। शाहनवाज हुसैन के आगे चुनौती बड़ी है। चुनौती इस बात की है कि जो इन्वेस्टर हर बार इन्वेस्टमेंट समिट के लिए टेबल पर बैठते हैं, बातें करते हैं, उन्हें कागजों पर निवेश के लिए लाना होगा। किसी भी राज्य में उद्योग धंधे को फलने फूलने के लिए वहां कानून का राज होना जरूरी है, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसे ठीक करके इन्वेस्टर्स को सुरक्षा का विश्वास दिलाना और भी बड़ी चुनौती होगी। ठोस योजना की कमी। कोरोना काल में हमने देखा था कि सरकार के पास ठोस योजना नहीं थी। हालांकि कई बार नीतीश कुमार ने कहा था कि स्किल के आधार पर उद्योग लगाएंगे, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है कि लेबर के मुताबिक कारखाने लगे। मौजूदा उद्योग बिहार में, मौजूदा जो भी उद्योग हैं, वो इकाइयां हैं, अपनी क्षमता सिर्फ 50% ही काम करती है। जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें ही काम देना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में नए लोगों को कैसे काम दिया जाएगा। 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू होने के बाद बिहार समेत सभी राज्यों में आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां कम हो गईं, और तो और राजस्व का भी बोझ बढ़ा। ऐसे में इस बजट में भी शाहनवाज हुसैन को अपने मंत्रालय के लिए अलग से फंड करवाना होगा। राज्य में टेक्सटाइल, तसर सिल्क, लेदर, फर्नीचर, बैग और साइकिल जैसे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ फूड प्रोसेसिंग, कृषि उपकरण निर्माण, हेल्थ केयर, रसायन, ऊर्जा, आईटी जैसे फील्ड में निवेशकों को लेकर आना होगा। शाहनवाज हुसैन के पास बिहार में आगे का रास्ता आसान नहीं दिखता, लेकिन मंझे हुए राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और ऐसे में ये तो उम्मीद है की ही जा सकती है कि बिहार में आने वाले दिनों में उद्योग के अवसर जरूर बढ़ेंगे, जिससे कि लोगों का पलायन रुक सके और स्किल्ड मैन पावर को अपने राज्य में ही काम मिल सके। मैं हूं मानसी और आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।